हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स इसका चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं, इसके एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसकी सहायता से आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक तो हम सीखेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 5th से लगातार जो नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कैन यू राइट 16 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? क्या आप 16 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं? तो सब प्राइम नंबर्स के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भी हम प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर हैं क्या? वो सारे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5 है, 5 का या तो फैक्टर 1 होगा या फिर 5 का फैक्टर 5 होगा। तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक इसी तरह से अगर हम 6 की बात करें, 6 का फैक्टर 1 भी है, क्योंकि 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। तो इसके देखो इसके फैक्टर्स हो गए कितने, 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो है जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। क्या एक तो 1, एक उनका फैक्टर होगा 1 और एक वो खुद ही होंगे इटसेल्फ। तो ये आपको समझना है। तो 5, ठीक इसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो 3 के 2 ही फैक्टर है, एक तो हो गया 1 और एक 3 इटसेल्फ। अगर हम बात करें 9 की तो 9 का एक फैक्टर हो गया 1, एक फैक्टर हो गया 3 और एक फैक्टर हो गया 9। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब आप सबसे पहले जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 15 भी नहीं है, 17, 19 एंड सो ऑन, इस तरह चलते रहेंगे। आप इसमें देखेंगे 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे हैं, ओड हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 16 के को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना था। तो हम इस तरह से जैसे आप करते हैं 16 को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। क्या सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 16? बिल्कुल। तो 2, 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर हम 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर हम 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम 16 को लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमने 16 को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से आपने आप किसी भी जो कोई भी जो नंबर है उसकी उसको जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पे लिख दिया। तो 2 रेस टू पावर, यहां पे 2 कितनी टाइम्स आया हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो इसको हम 2 रेस टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है?
थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो भी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो बिल्कुल यूनिक होगी, एक ही तरीका होगा। ये फैक्टर होंगे, वो जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर इट फॉलोज। इसका कहने का मीनिंग ये है कि वो जो प्राइम फैक्टर है वो आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर है रहेंगे वही। क्योंकि आप देखेंगे जैसे 2 की अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा, और 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। सीक्वेंस आगे पीछे से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको अगर हम इग्नोर करें सीक्वेंस को आगे पीछे, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो वही रहेंगे। तो आइए इसको समझते हैं क्या कहना चाहा है यहाँ पे। अगर आप देखें कि अगर हम 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन के, देखो 210 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 105 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखो, इसको सम ऑफ डिजिट्स 6 बनता है तो 3 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया, 3 जा 9 1 रह गया, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 5 पे करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 210 है, 210 है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई वो क्या हुई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक थ्योरम है, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, वो क्या कहती है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जा सकता है। देखो हमने लिख दिया, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, और वो कह रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, यूनिक मतलब एक ही तरीका है। इसके कहने का मीनिंग ये है कि इसकी कैसे मर्जी फैक्टराइजेशन करो, उसमें जो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएगा 2, 3, 5 और 7। अगर आप 210 को पहले 5 से करते हो, पहले अगर आप 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा, अब अगर आप 7 से कर देते हो, 7 6 जा, अगर आप अब 2 से कर देते हो 3, और अगर आप 3 से कर देते हो तो 1। तो आप देखें 2 ये रहा 2, 3 ये रहा 3, 5 ये 5 मिल गया हमें, और 7 ये 7 मिल गया। तो जो प्राइम फैक्टर है वो वही रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 2 से कर रहे हैं या पहले 3 से कर रहे हैं या पहले 5 से कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ जो 210 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे इस मेथड से क्या हुई, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये और ये देखो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम फैक्टर्स वही आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 210 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखो, या पहले 3 से करो फिर 5 से करो फिर 7 से करो फिर 2 से करो, फैक्टर्स वही आएंगे, फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये होगी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 32,760 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना। तो आप क्या करेंगे, इसको जो आपके पास नंबर दिया हुआ है 32760, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो है यूनिट प्लेस पे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपको 3 के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का, कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो इस तरह से आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए। तो ये आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आपके सामने लिख देते हैं कि जब हम इसको 2 से करेंगे तो हमें 16,380 मिलेगा। फिर क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है
तो फिर हमने टू पे किया तो हमारे पास आ गया 8190। अब इसमें फिर यूनिट प्लेस पे जीरो है तो फिर ये हमारे पास टू पे हो जाएगा, तो हमने इसको फिर टू पे कर दिया तो हमें मिल गया 4095। तो ये मिल गया हमें। अब देखो आप टू, अब दोबारा टू से नहीं होगा, ये टू से जितनी बार भी होना था हो चुका। अब आप देखेंगे इसके सम ऑफ डिजिट्स 4 और 9 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अगेन इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगेन 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 14 है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं 3 से आगे, 4 कंपोजिट नंबर है वो हम नहीं लेंगे। 5 पे किया तो 5 पे करने के बाद हमें 91 मिल गया। अब 5 पे भी नहीं होगा तो 7 की तरफ बढ़े, 7 पे किया तो 13 मिल गया और 13 पे किया तो 1। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें करते रहना है। तो 32,760 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 हमारे पास 3 टाइम आया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास 3 2 टाइम्स आया है, 5, 7 और 13 है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो 2 हमारे पास 3 टाइम आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2^3, और 3 हमारे पास 2 टाइम आया है तो 3^2 × 5 × 7 × 13। तो ये होगी जो 32,760 की प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है 64 की, 1155 की, 1771 की। तो ये आपके लिए है, आप इसको सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने सोल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा ये मैं आपके सामने इसका आंसर शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको अपने आंसर को मैच कर सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से आपके लिए एक और जो हमने प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है इसकी, या फिर इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। नंबर क्या है आपकी बार 5005। तो सबसे पहले देखो हम टू पे चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो टू पे नहीं हो सकता। सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, 3 पे भी नहीं होगा तो 5 पे हो रहा है देखो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 पे किया तो 1001 आ गया। अब ये 5 पे भी नहीं होगा तो 7 पे किया, 143 आ गया। अब ये 11 पे, 13 और 13 पे 1। तो इस तरह से ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 5005 की। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को का यूज़ करेंगे, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है फाइंड द HCF ऑफ 6 और 20। तो हमें 6 का और 20 का HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले तो हम 6 की और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो बड़ा ईजिली हमने कर ली। तो ये हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे हमने 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी। अब आप देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं जितने भी, तो उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप देखेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 3 यहाँ नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो बस 2 ही आएगा। तो इसका जो HCF हो गया वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास HCF आ गया 6 का और 20 का। तो आपको क्या करना है, जितने भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको लिखना है और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इससे हमें जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है टू नंबर्स का या टू या मोर नंबर्स का, वो मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 और 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं 96 की भी और 404 की। प्यारे बच्चों आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिख दिए 96 की भी और 404 की भी। तो अब आप देखते हैं, अब देखो 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह से 404 की 2 × 2 × 101। अब हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक 2 मिलेगा हमें, ये हमने लिख दिया।
इसी तरह से ये जो टू है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन है हमारे पास, हमने ये लिख दिया। ये टू अब और नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ से एक्स्ट्रा टू नहीं है अब हमारे पास, तो टू मल्टीप्लाइड बाई टू कितना आ गया, फोर। अब आप देखो कि आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन इसका देखो एक और मेथड क्या हो सकता है, आप जो इनकी सबसे पहले ये देखें कि जो प्राइम फैक्टर है उनको पावर्स में लिख लें। यहाँ पे टू फाइव टाइम आया हुआ है तो टू रेस टू पर फाइव, और ये थ्री अकेले है तो मल्टीप्लाइड बाई थ्री। इसी तरह से टू टू टाइम्स आया हुआ है, टू रेस टू पर टू मल्टीप्लाइड बाई 101। अब आप देखें इसमें टू रेस टू पावर फाइव है और इसमें टू रेस टू पावर टू है, तो टू रेस टू पावर टू तो दोनों में ही कॉमन होंगे, तो यहाँ हम टू रेस टू पावर टू लिख के सीधा टू रेस टू पावर टू मतलब टू मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो फोर इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें दो नंबर का HCF फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ध्यान रखें क्या है, स्मॉलेस्ट पावर तो है, स्मॉलेस्ट पावर तो है, लेकिन किसकी, एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर की। अब देखो जो कॉमन प्राइम फैक्टर था यहां पे एक तो टू था, देखो दोनों में जगह पे टू था, लेकिन यहां पे जो टू की पावर है वो फाइव है और यहां पे जो टू की पावर है वो टू है, तो स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर कितनी हुई, टू, तो ये वाला ले लिया टू रेस टू पावर टू ले लिया, और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है ही नहीं है, तो टू रेस टू पावर टू यानी कि टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से 17, 23 और 29 की का जो एच सी एफ है वो फाइंड करना है। अब आप देखेंगे कि 17, 23 और 29 ये तो खुद ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो क्या आएगा, 17 से ही करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा, 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 29 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने 17 को लिख दिया 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और इसको 29 इंटू 1, तो इनमें कॉमन क्या आया, 1 ही आया, तो एच सी एफ क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखें स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 तो फैक्टर है ही है सभी में, तो कुछ स्टूडेंट गलती से यहाँ 0 लिख देते हैं, ध्यान रखेंगे 0 नहीं 1 रहेगा आंसर, क्योंकि 1 कॉमन फैक्टर तो है ही है सभी में। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये आपके लिए जो आपके लिए असाइन किया गया है, आपको इसको सोल्व करके आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नॉलेज चेक करनी है, फिर भी आपके लिए चलो सोल्व कर देते हैं, शॉर्ट में आपके लिए कर दिया। जो 6 है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें मिला 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 2 रेस टू पावर 1, 3 रेस टू पावर 1। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स 2 रेस टू पावर 3, 3 रेस टू पावर 2। और इसी तरह से 120 की 2 रेस टू पावर 3, 3 रेस टू पावर 1, 5 रेस टू पावर 1। अब देखो एच सी एफ क्या था, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है वो देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। अब देखो कॉमन फैक्टर है इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ पे जो पावर थी वो कितनी है, 1 है, यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे इस जगह पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो पावर स्मॉलेस्ट पावर कितनी हुई, 2 रेस टू पावर 1 वाली 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है, तो इस वजह से 2 लिख दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ 3 रेस टू पावर 1, 3 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर 1, तो स्मॉलेस्ट पावर तो 1 हुई, 2 तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे 2 रेस टू पावर 1 या सिंपली 3 रेस टू पावर 1 या सिंपली हम 3 लिख देंगे। अब देखो 5 यहाँ पे है सिर्फ फैक्टर, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कॉमन है ही नहीं है 5, तो 5 के बारे में हमें नहीं लेना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 6, ये इसका एच सी एफ हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक इसी तरह से 8, 9 और 25 के लिए 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2, 2 एंड 2 मीन्स 2 रेस टू पावर 3, 9 की 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 रेस टू पावर 2, 25 की 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 रेस टू पावर 2। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, आप देखेंगे इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी ऐसा फैक्टर है ही नहीं है जो तीनों में कॉमन है, तो अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो 1 तो फैक्टर सभी का होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0 स्टूडेंट गलती से 0 लिखते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फाइंड दी एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का और 20 का एलसीएम फाइंड करना है आपकी बराबर। तो ठीक उसी तरह से हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 6 की भी और 20 की भी। तो 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और या 2 रेस्ट टू पावर 1, 3 रेस्ट टू पावर 1 भी लिख सकते हैं। और 20 के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, जो जो एच सी एफ है उसमें क्या करना था आपको, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उन सभी को लेना था और फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी थी। लेकिन जो एल सी एम है उसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखो वहाँ पे कॉमन वर्ड था और यहाँ पे क्या है, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो सभी लेने हैं। और अगर कोई रिपीट कर रहे हैं कुछ दोनों में कॉमन है तो वो वाला लेना है जिसकी ग्रेटेस्ट पावर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो एलसीएम यहाँ देखो 2 रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 2 है। तो इन दोनों में से इन दोनों के नाम का क्या लेंगे, जो जो ग्रेटेस्ट पावर है यानी कि 2 रेस्ट टू पावर 2 लेंगे। तो ये ले लिया आप देखो, लेकिन एच सी एफ में क्या था, कॉमन लेने थे सिर्फ, यहाँ पे सारे लेने हैं। अब देखो 3 यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो 3 हमने लिख दिया, 5 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं तो ये भी हमने लिख दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, तो 2 रेस्ट टू पावर 2 ये आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 आ जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 60। तो ये हो गया हमारे पास जो एलसीएम हम किस तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से 96 और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ठीक इसी तरह से 96 और 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख दी और 404 की लिख दी। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखें, यहाँ 2 रेस्ट टू पावर 5 है और यहाँ 2 रेस्ट टू पावर 2 है, तो जो ग्रेटेस्ट पावर है तो ग्रेटेस्ट पावर होगी 2 रेस्ट टू पावर 5, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इन दोनों के नाम का, तो ये आ गया। अब देखो 3 अकेला ही है तो ये हमने लिख दिया, 101 भी अकेला है तो ये भी हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करके हमने आंसर फाइंड कर लिया, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 9696। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से 5, 3 और 7 का। आप देखेंगे कि तीनों ही नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो अगर आपके पास तीनों ही अलग अलग प्राइम नंबर हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होगा। यहाँ पे फिर भी हम देखो कर लेते हैं, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दी, इसी तरह से 3 की और इस तरह के 7 की। अब आप देखें ये अकेला ही है तो लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट 3 इसको भी लिख दिया यहाँ पे, 7 को भी लिख दिया, ये हमारे पास 7 आ गया तो ये भी लिख दिया हमें। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 105 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर हैं और हमें उनका एलसीएम फाइंड करना है तो जस्ट उनकी मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है, अब ये आपके लिए आपको सोल्व करना है, दो क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं कि 672 और 120 इसका एलसीएम फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, और ठीक इसी तरह से 8, 9 और 25 का। तो आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए सोल्व कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए इनकी। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आप देखेंगे तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 3 है, यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 3 है, तो 2 रेस्ट टू पावर 3 ले लिया इसके नाम का, 3 रेस्ट क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट लेना है आपकी बार, ग्रेटेस्ट पावर है जिसकी, 3 रेस्ट टू पावर 1, 3 रेस्ट टू पावर 2, 3 रेस्ट टू पावर 1, तो इसके नाम का 3 रेस्ट टू पावर 2 ले लिया। अब यहाँ पे ये तो हो गए दोनों, यहाँ पे ये भी हो गए, ये भी हो गए, 5 रह गया था तो 5 रेस्ट टू पावर 1 या फिर सिंपली 5 लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 360। ठीक इसी तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, अब 8, 9 और 25 के लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 रेस्ट टू पावर 3, 3 रेस्ट टू पावर 2, 5 रेस्ट टू पावर 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सभी के सभी लिखने पड़ेंगे और उसको सोल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें कि आज हमने क्या सीखा,
आज की समरी में एक तो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की वो सीखी। उसमें कहा गया है कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है। सीक्वेंस का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन फैक्टर्स वही रहेंगे उसमें। इसके साथ हमने सीखा बेहद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो HCF, दो नंबर का कैसे हम फाइंड कर देते हैं, क्या होता है HCF, कैसे फाइंड, द प्रोडक्ट ऑफ द फुल फॉर्म क्या है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर किसकी, एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, लेकिन लेने वही है जो कॉमन हैं उनकी। और यहाँ पे LCM में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर। मान लो अगर कॉमन है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर, और जो अगर सिंगल सिंगल है या तीन है तो तीन में से दो भी में भी जिसमें कॉमन है हमें वो लेना है जिसकी जो पावर है वो ज्यादा होगी। तो ये हो गया हमारे पास HCF और LCM। तो HCF और LCM से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक और जो एग्जाम्पल आपके लिए दिया है कि फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ 24 एंड 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपके लिए HCF होगा इसका 6 और LCM होगा इसका 72। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, दोनों के बीच में एक बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। मतलब टू नंबर्स का ये सबसे पहले तो बात ध्यान रखेंगे, ये जो रिलेशनशिप है वो टू नंबर्स के लिए ही अप्लाई होगी, दो नंबर के लिए। तो दो नंबर का जो HCF आया और जो LCM आया उनकी मल्टीप्लाई, और जो दोनों नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई, ये होगा हमारे पास इक्वल होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, सपोज करो आपको HCF फाइंड करना है और आपको दोनों नंबर गिवन है और LCM गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर डिवाइड बाय LCM। इसी तरह से अगर आपको LCM फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर डिवाइड बाय HCF। यहाँ पे अगर HCM फाइंड करना है तो LCM डिवाइड में आ जाएगा, और LCM फाइंड करना है तो HCF डिवाइड में आ जाएगा। सपोज करो आपको HCF और LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर आप मान लो आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, आप सिंपली HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस रिलेटेड कि इफ द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। दो नंबर हैं, एक तो 306 एंड 657, इसका जो HCF है वो 9 है, तो हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो हम रिलेशनशिप को यूज कर लेंगे, हमारे पास रिलेशनशिप ये है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर गिवन है कितना, फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड नंबर भी गिवन है कितना, 657, और जो HCF भी गिवन है कितना है, 9। तो हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो रिलेशनशिप में हमने वैल्यू रख दी कि HCF मल्टीप्लाई, देखो ये रिलेशनशिप है, इसमें HCF की जगह पे क्या लिख दिया, 9। LCM हमें फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर लिख दिया, सेकंड नंबर लिख दिया, तो ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ गया, और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस रिलेशनशिप का भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें टू नंबर गिवन है HCF गिवन है, या टू नंबर गिवन है LCM गिवन है, या फिर HCF और LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है। नेक्स्ट, अगेन HCF दिया हुआ है 124 और 148 का 4 है, तो हमें LCM फाइंड करना है। सेम स्टेप है, ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करेंगे। इसका LCM आपको फाइंड करना है, और आप अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे, तो आपका जो अब यहां पे देखें, वन नंबर हो गया 124 और वन नंबर हो गया 148, और HCF है हमारे पास 4, LCM हमें फाइंड करना है। जब आप उस रिलेशनशिप से LCM फाइंड कर लेंगे
तो आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई और जो HCF और LCM इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर कहीं कोई मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट, यहाँ पे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, देन LCM फाइंड करना है। तो सेम अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के बेस पे आपके लिए एक एक्सरसाइज दी है, आप इसको सोल्व करेंगे। इसके साथ साथ आंसर की भी दी हुई है, आप इस आंसर की से आप अपना जो आपने क्या आपने अचीव किया, आपकी लर्निंग का लेवल कहाँ तक पहुँचा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आंसर की से आप उन आंसर को मैच करके चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।